फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज के टाइटल को देख के आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा ये व्लॉग किसके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कुमाऊनी मेकअप। तो सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़र कर लें अच्छे से, क्योंकि कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़र कर लेना चाहिए। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का प्राइमर। ये प्राइमर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसको मैं काफ़ी टाइम से अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसको अपने फेस पे यूज़ करती हूँ तो मुझे अपनी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है। अगर और उसके अप्लाई के बाद अगर अपनी स्किन को आप देखते हैं तो एक ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग स्किन देता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, आप इसको एक फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे डॉट डॉट करके एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। ध्यान रखना है कि हमें अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है कि हमारा फाउंडेशन कहीं पर भी रह ना जाए। तो आप इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लें। जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो आपका फेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी सा लगेगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। मैं मेबीलून का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपके फेस पे डार्क साइड्स हैं आप वहाँ पर इसको अप्लाई कर लें। मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे फेस पर इतने ज़्यादा डार्क साइड नहीं है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। अपने फेस पे आप ज़रूर यूज़ करें फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, ये हमें ध्यान रखना है। आप इसको ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं या इसके साथ में जो स्पंज आती है आप उससे भी कर सकते हैं। मैं उसी स्पंजेस को अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे ये जो फिटमी का कॉम्पैक्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद मैं अपने आईज़ पे यूज़ कर रही हूँ मेबीलिन का। इसमें सारे लाइट कलर हैं, मैं इसमें से एक लाइट कलर लेके पहले इसका जो बेस है वो मैं लाइट कलर से ही लूँगी, क्योंकि जो मेरी ड्रेस का कलर है वो थोड़ा डार्क कलर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट अप्लाई करूँगी वो डार्क कलर अप्लाई करूँगी। तो मैंने इसमें से अपनी ड्रेस के मैचिंग का डार्क कलर अपनी आईज पे अप्लाई कर लिया है, जिससे जो मेरी आईज हैं वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगी मेरे फेस पे, और जिससे मेरे जो मेकअप का लुक है वो थोड़ा सा स्मार्ट एंड शाइनी लगेगा। उसके बाद मैं इसी में से एक गोल्डन कलर का लेती हूँ अपनी आईज़ के जो कॉर्नर्स हैं, मैं उसको वहाँ पे उसको अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट फिल करूँगी मैं अपने आईब्रोज़ को। आप अपने आईब्रोज़ को ज़रूर फिल करें, इसको आप फिल करना ना भूलें। नेक्स्ट हम यूज़ कर रही हूँ मैं लैक्मे का लाइनर। मैं लाइनर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मैं अपनी जो मेरी लेसेज हैं मैं उनको थोड़ा सा कर्ल कर लूँ, क्योंकि मुझे जो फेक लैसेज हैं मुझे वो पसंद नहीं है, मैं वो अप्लाई नहीं करती। तो मैं इसी से अपनी जो आईज़ से उनको थोड़ा सा कर्ल कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है काजल। उसके बाद मैं ये लैक्मे का ही काजल अप्लाई कर रही हूँ। ब्लैक काजल अप्लाई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो मेरे पास है कि ग्रीन कलर का काजल है, मैं हल्का सा मैं वो अप्लाई कर रही हूँ, जिससे जो मेरा काजल है वो थोड़ा सा हाईलाइट करेगा मेरे फेस पे। उसके बाद मैं अपने जो चीक्स हैं इनको थोड़ा सा ब्लश कर लूँ। मैं इसको एक ब्रश के हेल्प से, मैंने पिंक कलर लिया है क्योंकि मुझे पिंक कलर थोड़ा पसंद है अपने फेस पे, और किसी भी पार्टी में या फंक्शन में जाने के लिए थोड़ा सा चिक्स जो हैं वो आपके हाईलाइट होने चाहिए। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मल्टी कलर का हाईलाइटर। इसमें से मैंने थोड़ा सा एक ब्रश की हेल्प से अपने जो चिक्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, जिससे जो मेरे चिक्स हैं वो और ज़्यादा शाइनी लुक देंगे। इसके बाद मैं एक फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा हाइलाइटर अपनी नोज़ पे अप्लाई कर लेती हूँ। इससे करने से जो आपकी नोज़ है वो भी थोड़ा सा हाईलाइट हो जाती है, तो आपका फेस एक ग्लोइंग सा लुक देता है। उसके बाद मैं अपना जो फेस है उस पर अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। ये जो लिपस्टिक है ये आपका पिंक कलर की है, क्योंकि मुझे एकदम डार्क कलर की लिपस्टिक अपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी थी। उसके बाद मैं बिंदी यूज़ करूँगी, मुझे ब्लैक कलर की इसी मीडियम साइज़ की बिंदी मुझे अच्छी लगती है अपने फेस पे लगाना। तो आप देखेंगे एक ये लुक रेडी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ ज्वेलरी। मैं एक नेकलेस यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी हैवी नहीं है, छोटा सा और सिंपल सा है जो मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। उसके बाद ये है पहाड़ी नथ, इसको बोलते हैं नथ या नथली, ये हमारे उत्तराखंड की पहचान है। और ये है मांगटी का, ये हमारी जब भी किसी वेडिंग होती है तो उसमें एक जो मैरिड वूमेन होती है ये इसको ज़रूर वेयर करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये एक पहाड़ी लुक रेडी हो चुका है। इसको कहते हैं पिछौड़ा,
ये हमारी पहचान है, इसको ये पिछौड़ा आपको दिल्ली में जल्दी से नहीं मिलेगा, ये आपको हमारे जो उत्तराखंड में नैनीताल, हल्द्वानी, देहरादून, आपको ये उन जगहों पे ही मिलेगा। और आप ये देखिए, ये पहाड़ी जो लुक है वो रेडी है। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।